देख रहे हैं गांव का भारत यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग हैं चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत और ये जो रोड है ये इटावा बरेली हाईवे से मूंज गांव जाने वाली सड़क है। इस सड़क पर आज रविवार की रात करीबन 9:30 बजे घर जा रहे एक विकलांग व्यक्ति को घात लगाए बैठे अपराधियों ने गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत सैफी ट्रामा सेंटर भर्ती कराया जहां उसका उपचार अभी भी जारी है। वहीं पुलिस के द्वारा बताया गया है कि घायल व्यक्ति की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। घायल व्यक्ति का नाम अनिरुद्ध पुत्र अमृतलाल बताया गया है जो कि चौबिया थाना क्षेत्र के ही मूंज गाँव का रहने वाला है और वह अपनी बाइक से अपने घर जा रहा था। गोली इनके पेट में जाकर लगी है, इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए घटनास्थल व सैफी ट्रामा सेंटर अस्पताल में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है जो मामले की बड़ी ही गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और क्षेत्र की हर खबर आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक होगा सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू। क्या घटना हुई है यहाँ? अच्छा, यहाँ गोली लगी। अच्छा, तो आप यहाँ आए थे, तब कौन था यहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था, हम तो दो लोग आए थे। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ था? अरे मोटरसाइकिल वाले ने कही, हम वहाँ मोटर लगाए रहे थे, कहे वहाँ मोटरसाइकिल पड़ी है। तो हम लोग मैंने के चाचा थे भी नहीं के खुद के गाँव परिवार के, तो मैंने कही चल देख यहाँ। तो हम लोग दोनों जने आए देखन तो मोटरसाइकिल परी थी, कुछ चिल्ला रहा था वहाँ में। तो क्या नाम था उनका? आप ही गांव के थे क्या वो? अरे मेरे गांव रामनगरिया है। अच्छा, क्या नाम था इनका? इनका नाम अनिरुद्ध। कहाँ के रहने वाले थे ये? मूंज के।